जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले आप सेल एग्रीमेंट कराते हैं। सेल एग्रीमेंट का मतलब कि आप कुछ पैसे एडवांस में देते हैं और कहते हैं कि अब कुछ पैसे हम बाद में पे करेंगे, ताकि आप हमारे नाम पे रजिस्ट्री करा पाए या सेल डीड करा पाए। क्या आपको पता है कि सेल एग्रीमेंट में छोटी सी गलती पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन को खत्म कर सकती है और आपको प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ सकता है? जी हाँ दोस्तों, वो गलती क्या है, क्या सेल एग्रीमेंट होते हैं, क्या सेल डीड होती है और इसके पीछे कानून क्या है, जानेंगे इस डिटेल वीडियो के रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट से, जो हम आपको बताएंगे क्या आपको ध्यान रखना चाहिए सेल एग्रीमेंट करते समय, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी से हाथ ना गवा पाए। वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल ब्लॉक्स। मैं आपका लीगल दोस्त एडवोकेट सत्यम खरौंदा फ्रॉम लीगल ब्लॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आगे मिलती रहे, जिसमें आपको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, चेक बाउंस और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड वीडियोस आगे भी मिलती रहेंगी। आपको कोई भी लीगल क्वेरीज हैं, आप लिंक पे क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आज हम बात करें सेल एग्रीमेंट की, सेल डेट की और उसके पीछे कानून की, और ये कह रहे हैं कैसे हम सेल एग्रीमेंट को प्रॉपर करें, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी से हाथ ना गवा पाए। इस केस को जानने से पहले हम इस केस के नाम को जान लेते हैं, फिर हम इस केस के फैक्ट्स को जानेंगे, फिर हम इस केस के लॉ को जानेंगे। इस केस का नाम है बलराम सिंह वर्सेस केलो देवी 2022 सुप्रीम कोर्ट। इस केस का जो मैंने लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। इस केस में जो बलराम सिंह और जो केलो देवी होती है, इनके बीच में प्रॉपर्टी की डील होती है। जो बलराम सिंह होता है वो सेलर होता है और जो केलो देवी है वो बायर है। जो केलो देवी है वो इनके बीच, केलो देवी और बलराम सिंह के बीच में एग्रीमेंट टू सेल होता है। उसमें ये कहा जाता है कि मैं आपको अभी 14,000 रुपये देती हूँ, उसके बेस पे आप मेरे को पोजेशन दे देना। उस जो दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट टू सेल ड्राफ्ट होता है, और फिर जो पोजेशन वो दो जो केलो देवी ले लेती है बलराम सिंह से, उसके बाद कुछ दिनों बाद जब जब रजिस्ट्री की बात आती है तो इनके बीच में डिस्प्यूट राइज हो जाता है। जैसे ही इनके बीच में डिस्प्यूट राइज होता है, जो बलराम सिंह है वो केलो देवी से प्रॉपर्टी को वापस मांगने के लिए कहता है कि मैं कोई भी रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा, अब मेरे को वापस दे दो प्रॉपर्टी। जो केलो देवी है वो देने से मना कर देती है। जैसे ही डिस्प्यूट आगे बढ़ा, केलो देवी जी को लगा कि बार बार मेरी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों लगा है, जबकि सेल एग्रीमेंट हो चुका है। तो फिर जो केलो देवी है कंसर्न सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करती है। सूट फॉर इंजंक्शन का मतलब थर्ड पर्सन अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होता है, यानी इंटरफेयर करता है, तो फिर उसके खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर होता है, यानी उसके खिलाफ डिक्री पास करती है कोर्ट। जैसे ही केलो देवी जी ने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया, बलराम सिंह ने उसके खिलाफ सूट फॉर पोजेशन फाइल किया। सूट ऑफ पोजेशन का मतलब उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट किए, उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है और जो सेल एग्रीमेंट है वो अभी तक वैलिड नहीं है, तो मेरे को पोजेशन दिला देना चाहिए। जैसे ही दोनों सूट नीचे की सिविल कोर्ट में फाइल हुए, सिविल कोर्ट ने डिसाइड किया कि केलो देवी को वापिस देने पड़ेगी प्रॉपर्टी बलराम सिंह को, क्योंकि जो जो एग्रीमेंट ऑफ सेल है वो रजिस्टर्ड नहीं है और ये 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में हुआ हुआ है। तो फिर जो सिविल कोर्ट है वो कहती है कि इस जो स्टैम्प पेपर में जो सेल एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं है और उसकी कोई भी एविडेंट्री वैल्यू नहीं है लीगल में। ट्रायल कोर्ट से एग्रीड होकर जो केलो देवी है वो पहुंचती है हाई कोर्ट में। जैसे ही वो हाई कोर्ट में पहुंचती है, उसके जो फर्स्ट अपील और सेकंड अपील है वो जीत जाती है। हाई कोर्ट का ये मानना है कि जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है और वो वैलिड है, और जो नीचे की जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो गलत है, और उसके फेवर में हाई कोर्ट जो है डिसीजन दे देता है। अब ये मामला जो है पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो स्टाम्प पे लिया गया है, क्या वो वैलिड हो सकता है? बलराम ने दो आर्ग्यूमेंट किए थे। बलराम ने ये कहा था पहले आर्ग्यूमेंट में कि जो जो एग्रीमेंट टू सेल है वो 10 रुपए के स्टाम्प पे लिया गया है और वो अब तक रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो वैलिड क्यों होना चाहिए? सेकंड आर्ग्यूमेंट था, उसमें जो जो मेन कंसर्न था वो ये था, जो लेडी है उसने सूट फॉर स्पेसिफिक फॉरमेंस फाइल नहीं किया था और उसने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया था।
दोस्तों हम डिस्कस करते हैं सूट फॉर इंजंक्शन और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तब फाइल किया जाता है जब कोई अदर पार्टी कोई स्पेसिफिक एक्ट को फॉलो ना करे और उसके खिलाफ फिर हम कोर्ट में केस करते हैं। एग्जाम्पल, आपके और मेरे बीच में सेल ऑफ एग्रीमेंट होता है। जैसे सेल ऑफ एग्रीमेंट होता है, मैं आपको कहता हूँ कुछ अमाउंट आप अभी पे कर दो, फिर आपके नाम पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। और फिर कुछ टाइम बाद मैं कहता हूँ कि आपके नाम पे हम प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करते, और फिर वो जो अगला पर्सन है वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करता है कोर्ट में, और वो कोर्ट में ये कहता है कि कोर्ट से डायरेक्शन मिले कि मेरे नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए क्योंकि मैं पेमेंट करने को तैयार हूँ। यहाँ पर जो केलो देवी है उसने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल नहीं किया था, उसने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया था क्योंकि जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं था। जैसे कि आपको मैं बताऊं, जो सेल ऑफ एग्रीमेंट होता है अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो उसमें आप सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसके खिलाफ फाइल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने इंटरेस्टिंगली जो ड्राफ्ट है उसको क्लेवरली ड्राफ्ट किया और सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया। उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया था इसलिए वो प्रॉपर्टी के पोजेशन में थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुद्दों को डिस्कस किया। सबसे पहला मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, और जैसे कि आप सेल एग्रीमेंट को 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में लेते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों मैं आपको इसमें ये बताता हूँ कि अगर आप सेल एग्रीमेंट को 10 रुपये के स्टैम्प पेपर में कराते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसमें एक ग्लिच है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कवर नहीं किया है। जो सेकंड आर्गुमेंट हुआ उसमें बलराम सिंह ये कहते हैं कि जो केलो देवी है उसने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया क्लेवरली और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं फाइल किया, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे सहमत हो जाती है और कहती है कि उनका जो है एग्रीमेंट जो है अनरजिस्टर्ड है, तो उन्होंने फिर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं फाइल किया और उन्होंने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं ले सकते उसको आप इनडायरेक्टली भी नहीं ले सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी अपील है उसको अलाउ किया और कहा कि आपको जो है हम पोजेशन वापिस दिलाते हैं क्योंकि जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। हमें इससे ये बात पता लगी जो एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है, और जो आपको जो है ऐसी केसेस में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करना है ना कि सूट फॉर इंजंक्शन। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ग्लिच है उसको हम डिस्कस करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि कुछ स्टेट्स में ही सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी है, जैसे कि आप ये केस उत्तर प्रदेश से आया था, जो उत्तर प्रदेश है उसमें ये रजिस्टर कराना कंपलसरी है, सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। और अगर आपका कोई और स्टेट है तो उसको आपको स्टेट एक्ट देखना पड़ेगा कि उसमें जो सेल ऑफ एग्रीमेंट है उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है या नहीं है। अगर आप यूपी से हैं तो सेल ऑफ एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।